यूनिट 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां। सबसे पहले हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां होती क्या हैं। जैसा कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, हमने कुछ संख्याओं को लिखा है 4, 9, 14, 19। ध्यान से देखें तो दूसरे पद 9 में से यदि 4 घटाया जाए तो हमारे पास आता है 5, तीसरे पद 14 में से 9 घटाया जाए तो हमारे पास आता है 5, और यदि चौथे पद 19 में से तीसरा पद 14 घटाया जाए तो भी हमारे पास आता है 5। इसका अर्थ यह है कि यदि कुछ संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाए कि उनके बीच का डिफरेंस यानी अंतर एक जैसा हो, जैसे 9 में से 4 घटाए 5, 14 में से 9 घटाए 5, 19 में से 14 घटाए 5, तो ऐसी संख्याओं की श्रेणी को हम एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कहते हैं। ये 5, 5, 5 इसे इस श्रेणी का सार्व अंतर कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इसे इस श्रेणी का सार्व अंतर कहा जाता है और इसे डी से डिनोट किया जाता है। आइए एक बार फिर से देखें, हमारे पास कुछ संख्याएं लिखी हैं, देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। 4 में से 2 घटाए 2, 6 में से 4 घटाए 2, 8 में से 6 घटाए 2, 10 में से 8 घटाए 2। तो हमने देखा इन सभी संख्याओं के बीच का, इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस है 2, 6 और 4 के बीच का डिफरेंस है 2, 8 और 6 के बीच का डिफरेंस है 2, अर्थात यह एक एपी है और इसका सार्व डिफरेंस, सार्व अंतर यानी डी है 2। इसी प्रकार से अगली संख्याएं देखें, 8 में से 5 घटाया 3, 11 में से 8 घटाया 3, 14 में से 11 घटाया 3। यदि सभी संख्याओं के बीच का अंतर बराबर आता है तो हम कहेंगे कि यह एक एपी यानी समांतर श्रेणी है। यदि यह अंतर एक जैसा नहीं होगा तो यह एपी नहीं होगी। इनका सार्व डिफरेंस, सार्व अंतर यानी डी आया है 3। इसी प्रकार से एक चीज हमने और सीखनी है, वो है प्रथम पद। बहुत आसान है, सबसे पहले देखेंगे कि ये एपी है या नहीं है। देखिए, 5 में से 3 घटाया 2, 7 में से 5 घटाया 2, 9 में से 7 घटाया 2। यदि सभी के बीच का अंतर एक जैसा आ रहा है तो हम कहेंगे कि यह एक एपी है यानी यह एक समांतर श्रेणी है। ऐसे केस में यदि यह एपी है तो इस एपी को जहां से शुरू किया जा रहा है यह इसका प्रथम पद कहलाएगा। इस एपी, इस दी गई एपी में इसका प्रथम पद है 3 और इस प्रथम पद को ए या ए वन कहा जाता है। ए वन मतलब प्रथम पद, ए टू मतलब द्वितीय पद, ए थ्री मतलब तीसरा पद, ए फोर मतलब चौथा पद। इस तरह से यदि इसी एपी में आप देखेंगे तो ए वन है 3, ए टू है 5, ए थ्री है 7, ए फोर है 9। आइए थोड़ा सा अभ्यास करें। आपको सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं, देखिए 4, 11, 18, 25। क्या यह एपी है? तो इनके बीच का हम सबसे पहले अंतर देखेंगे। 11 में से 4 घटाए 7, 18 में से 11 घटाए 7,
25 में से 18 घटाए 7, इनके तीनों का बीच का डिफरेंस 7 आ रहा है, इसका अर्थ है कि यह एक एपी है। तो इसका प्रथम पद ए या ए वन कितना होगा, यह होगा इसका प्रथम पद वो है 4, और इसका डी यानी अंतर कितना होगा, सार्व अंतर कितना होगा, 11 में से 4 घटाया 7। दोबारा एक बार और देखते हैं, हमारे पास एक और संख्या है 8, 5, 2, -1। यदि 5 में से 8 घटाया तो हमारे पास आता है -3। एपी में संख्याएं बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। 2 में से 5 घटाया -3, -1 में से 2 घटाया ये भी आएगा -3, अर्थात इनके तीनों के बीच का डिफरेंस -3 आ रहा है, इसका मतलब यह एक एपी है। तो इसका प्रथम पद होगा जो एपी का पहला पद था 8, और इनके बीच का डिफरेंस होगा -3। एक और देख लेते हैं हम, -3, -2, -1, 0। आप जैसा कि देख रहे हैं एपी एक एक बढ़ रहा है, -2 में से -3 घटाए तो ये हो जाएगा -2, -3, ±3 में से 2 घटाया 1, साइन बड़ी रकम का प्लस यानी +1। तो इनके बीच का डिफरेंस है 1, ऐसे ही इनके बीच का भी डिफरेंस है 1, ऐसे ही इनके बीच का भी डिफरेंस है 1। तो यहां पर प्रथम पद होगा -3 और सार्व अंतर यानी डी होगा 1। तो बच्चों आज हमने एपी का एक छोटा सा टॉपिक सीखा है, और अभी मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा जिनमें आपको सिर्फ पहचानना होगा कि यह एपी है या नहीं है, और यदि एपी है तो उनका प्रथम पद कितना होगा और डी यानी सार्व अंतर कितना होगा। आज हमने तीन ही चीजें मुख्य तौर पर सीखी हैं, एक क्या कोई सीरीज एपी है या नहीं, दूसरा किसी एपी का प्रथम पद क्या होगा, और तीसरा यदि कोई सीरीज एपी है तो उसका सार्व अंतर क्या होगा।